Yes, welcome, dear students of class 12th accountancy. Our today's topic is goodwill, and we are going to solve question number 8 of our textbook. इससे पहले हमने दो methods किए हैं, number 1 average profit method और number 2 super profit method. लेकिन आज के question में कौन सा method apply होगा? Capitalization method. हाँ, याद रहे, कैपिटलाइजेशन मेथड. तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं. क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000 एंड हैज इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 2 लाख इन द सेम क्लास ऑफ बिजनेस. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग्स इज 10%. कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड. जो मैंने पहले ही बताया कि आज हमें कैपिटलाइजेशन मेथड के जरिए गुडविल निकालना है, गुडविल कैलकुलेट करना है. तो मैं एक बार फिर क्वेश्चन दोहराता हूं. एक्स वाई जेड फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट है. एक्स वाई जेड के पास प्रॉफिट है कितना? रुपीज 40,000. उसके बाद क्या है, एक गिवन है. And has invested capital amounting to rupees 2 lakh. Capital है rupees 2 lakh. In the same class of business, normal rate of earnings is 10%. Normal rate of return or net or rate of earnings is equal 10%. And we have to calculate. This is 10%. We have to calculate goodwill according to capitalization method. देखिए students, हमारे पास दिया हुआ है profit equal to 40,000, capital 2 lakh, normal rate of return 10%, goodwill निकालना है according to capitalization method. तो हम सॉल्व करेंगे. जो गुडविल है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड, दिस इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल, ये फॉर्मूला है. Goodwill according to capitalization method is equal to capitalized value of business minus capital. लेकिन ये capitalized value जो है ये हमें पता नहीं है ये किसके बराबर है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है. Capitalized value of business जो है, this is equal to average profit into 100 divided by normal rate of return, which is equal to, बताइए average profit क्या है? 40,000 दिया हुआ है. 40,000 into 100 divided by normal rate of return 10. This zero and this zero cancel. It is equal to 40,000 into 10, which is equal to rupees 4 lakh. Yani capitalized value kitna nikla? Rupees 4 lakh. Now it is easy to calculate goodwill. Therefore, goodwill is equal to capitalized value 4 lakh. माइनस कैपिटल 2 लाख. फोर लाख माइनस 2 लाख, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख. आई विल रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर आंसर.
हमारे पास प्रॉफिट है 40,000, कैपिटल 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल निकालना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड किसके बराबर है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो हमें पता नहीं है, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज एवरेज प्रॉफिट 40,000 इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, 40,000 इनटू 100 बाय 10, दिस जीरो एंड दिस जीरो कैंसल्स, 40,000 इनटू 10 इक्वल टू 4 लाख, निकल गया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो अब गुडविल इजी है, फॉर्मूला दी हुई है, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 4 लाख जो निकाला अभी हमने, माइनस कैपिटल ऊपर दिया हुआ है 2 लाख, 4 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 2 लाख, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।